हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे पत्तों के बारे में जिनका इस्तेमाल अगर आप रोजाना करते हैं तो बेमिसाल फायदे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह जिनके पास समय थोड़ा कम है उनको बता दूं कि इस वीडियो में बात की जा रही है सहजन के पत्तों के बारे में, जो हमारे शरीर की नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके क्या क्या और फायदे हैं तो डिटेल में जानने के लिए आप 5 से 6 मिनट का समय जरूर निकालिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इन पत्तों को अगर आप रोजाना खाना शुरू कर देंगे, जी हाँ दोस्तों, सहजन की पत्तियां जो हैं उनका ही इस्तेमाल करना है हमने यहाँ, इनका उपयोग किया जाए तो हजारों रुपए की दवाई का खर्चा बच जाएगा। इसमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती हैं। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में काफी बार इसका वर्णन है। इसके गुणों की बात की जाए तो सहजन की पत्तियों के 100 ग्राम पाउडर में दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है। इसमें गाजर से 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आंखों के लिए, त्वचा के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इन पत्तियों में केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इन पत्तियों के अंदर प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं और सहजन की पत्तियां प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स है। एक कप ताजी पत्तियों के अंदर 2 ग्राम तक प्रोटीन होता है। सहजन की पत्तियों से मिला प्रोटीन किसी भी प्रकार की नॉनवेज यानी कि फूड से प्रोटीन मिलने वाले से कई गुना जल्दी पच जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता के अनुसार अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सहजन की पत्तियों के क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा जानेंगे सहजन की पत्तियों का प्रयोग हमने कैसे करना है, यूज कैसे करना है। इसके फायदों की बात की जाए तो जिनको भी गठिया है, अर्थराइटिस पेन रहता है, सूजन है, इन पत्तियों का सेवन उन्होंने कैसे करना है ताकि आराम मिल सके। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से ये हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं, जॉइंट पेन को दूर करते हैं, कमर दर्द है, दांतों का दर्द है या दांतों में कमजोरी है या बुढ़ापे के कारण ये समस्याएं आ रही है तो ये समस्याएं नहीं आए। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो आज ही आप इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगले फायदे की बात करें तो ये पेट की समस्याओं को दूर करने वाला है सहजन की पत्तियां, क्योंकि सहजन की पत्तियों के अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है है, जो कि कब्ज की समस्या को दूर करती है, पेट को साफ करती है। अगर किसी के पेट के अंदर कीड़े हो तो भी सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। सहजन की पत्तियां हाई बीपी के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी कि हाई बीपी को कंट्रोल करती है। सहजन की पत्तियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि सूजन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा ये नसों में होने वाली ब्लॉकेज को रोकती है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम हमारे ब्लड वेसल को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारे दिल को भी हेल्दी बनाने का काम करता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल जरूर करना है। सहजन के अंदर एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, ये शरीर में अनावश्यक पानी को कम करते हैं। इसके अलावा ये थायराइड की समस्या में भी काफी फायदेमंद है। जिनका भी थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव रहता है तो ये सहजन की पत्तियां खाएं, इससे बढ़ा हुआ थायराइड कम हो जाएगा। दोस्तों, ये सहजन की पत्तियां बायो एक्टिव कंपाउंड की तरह हमारे शरीर में काम करती हैं, जो कि हार्ट अटैक के खतरे को कम करने का और बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने का काम करती है। इसके अलावा सहजन की पत्तियां हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करती है। दोस्तों, सहजन की पत्तियों के कुछ ऐसे गुण हैं जिन बीमारियों के लिए रोजाना और रेगुलर दवाई खानी पड़ती है, जैसे कि डायबिटीज। इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण है, ये हमारे शरीर को वायरल फीवर यानी कि वायरल के कारण होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, कोल्ड है, कफ है या फीवर है, उनसे भी हमें बचा कर रखता है। इसके अलावा ये सहजन की पत्तियां अल्सर से बचा कर रखती है। सहजन की पत्तियों का रोजाना सेवन किया जाए तो एनीमिया की शिकायत भी दूर हो जाती है। सहजन की पत्तियों के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने वाली क्षमता होती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे नए सेल्स को बनाने और उन्हें मरम्मत करने का काम करती है। दोस्तों, न्यूट्रिशनल गुणों से भरपूर सहजन की पत्तियां हमारे शरीर में एनर्जी लाती है, थकान कमजोरी को दूर करने का काम करती है। सहजन में पाया जाने वाला बेहतरीन अमीनो एसिड हमारे नए टिश्यूज को बनाने का काम करता है। इसके अलावा सहजन की पत्तियां कैंसर से खतरे से भी हमें बचा कर रखती है। सहजन में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट गुण हमें कैंसर के खतरे को कम करने में भी मदद करता है। ये हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। जिनको डिप्रेशन है, थकावट रहती है या भूलने की समस्या है या अनिद्रा की समस्या है, यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो उसको ठीक करने में भी सहजन की पत्तियां काफी फायदेमंद है।
दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सहजन की पत्तियों के इतने सारे फायदे हैं, क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि सहजन की पत्तियों के कोई नुकसान नहीं है। वात, पित्त और कफ सभी प्रकृति के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? इनकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए, या फिर आप सीधा ही इन पत्तियों को ले लीजिए और इनकी चटनी बनाकर, या फिर इनका सूप बनाकर, या फिर चटनी बनाकर नॉर्मल पानी में आधा चम्मच डालकर आप इसको पी लीजिए। अगर आपके पास पाउडर है तो आधा चम्मच पाउडर नॉर्मल पानी के अंदर डालकर इसका सेवन कर लीजिए। अब जान लेते हैं कब पीना ज्यादा फायदेमंद है। तो खाली पेट अगर आप इसे लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये आपकी बॉडी के अंदर मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल की तरह काम करेगा और आपकी बॉडी को हेल्दी और तंदुरुस्त बनाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इसका सेवन करना शुरू कर दिया तो किसी और हर्ब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इतना जबरदस्त है ये सहजन की पत्तियां, इनकी फलियां भी इम्पोर्टेंट है उतनी ही। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए। वैसे मैंने अपनी तरफ से सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।